गाइस, आज हम जो टॉपिक लेके बैठे हैं वो है जीएस। जीएस में जो एएमयू के बीए एंट्रेंस में जो जीएस आती है उसमें आपका एक पार्ट आता है ज्योग्राफी का। किसका आता बच्चों? ज्योग्राफी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि ज्योग्राफी होता क्या है। बेसिकली अगर हम देखें तो ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ, ठीक है, और दूसरा मतलब है ग्राफी, जिसका मतलब होती है स्टडी। तो अगर हम बात करें तो जीएस क्या, ज्योग्राफी हमारा क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ अर्थ, जिसको हम हिंदी में भूगोल भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करें तो ज्योग्राफी देखो पांच पार्ट्स में हमारा डिवाइड होता है। एक, दो, तीन, चार और पांच। पहला पार्ट यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा पार्ट यानी कि हमारा इंडियन ज्योग्राफी, तीसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, चौथा ह्यूमन ज्योग्राफी, और पांचवा जो आता है वो आता है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। हमारे पास जो कवर्ड है वो दो पार्ट्स कवर्ड है, ह्यूमन इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड एंड समहाउ ह्यूमन ज्योग्राफी एज वेल, यानी कि इंडियन वर्ल्ड और ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है ये भी दो पार्ट में होता है। एक होती है इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी और दूसरी होती है हमारी इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू पॉलिटी, पॉलिटी पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इंडिया के पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो कंसिस्ट करती है उसका मतलब क्या होता है? थिंग्स रिलेटेड टू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। अगर आपको ध्यान हो 8 9 पे पढ़ते थे कि फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप, तो वो पॉलिटिकल मैप में क्या होता था? स्टेट्स होते थे, उनके बॉर्डर्स बने होते थे। तो सिमिलरली हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या होती है? क्या कहते हैं, ज्योग्राफी रिलेटेड टू स्टेट्स और टू द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ज्योग्राफी रिलेटेड टू प्लेट्यूज, माउंटेन्स, पेनिनसुला एंड एक्सेट्रा। ये हमारा पार्ट होता है किसका? फिजिकल ज्योग्राफी का, ठीक है गाइस। अभी हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। तो अगर देखो इंडिया का अगर हम कुछ मैप देखें तो इंडिया का जो मैप होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी नहीं है, बट हाँ जितना मेरे ज़रूरत पड़ेगी उतना हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है हमारा वो एक स्टेट जो है जम्मू कश्मीर का है, विच वॉज रिसेंटली डिवाइडेड इंटू टू यूनियन टेरिटरीज। एक स्टेट हमारी जम्मू कश्मीर की एलिमिनेट हो गई थी और दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गई थी, एक जम्मू एक कश्मीर। इस पर गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया था, बट अभी एक्चुअली में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर हम बात करें तो एक ऑफिशियल रिटन कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर इससे रिलेटेड नहीं आया है। अभी सिर्फ इन्होंने डिसीजन लिया था, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एनडीए सरकार ने, लेकिन इस पर डिसीजन अभी नहीं लिया गया है। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो अभी हम जम्मू कश्मीर को एक स्टेट के पर्स्पेक्टिव से ही देखेंगे, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहीं पर हमारा आता है पंजाब, इधर की साइड समवट हमारा हरियाणा है, यहाँ पे जो साइड वे है हमारा उत्तराखंड है जो कि यूपी से अलग निकल के बना है, इधर की साइड हमारा यूपी है, यहाँ हमारा एमपी है, इधर हम बात करें तो ये हमारा राजस्थान है, यहाँ पे हमारा गुजरात है, यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र है, इधर गोवा, कर्नाटका,
कर्नाटका हेयर केरला देन हेयर तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश हेयर देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो उड़ीसा इधर वेस्ट बंगाल यहाँ पे बिहार है इधर ही हमारा बिहार से निकल के बना था झारखंड और एमपी से निकल के बना था हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है यहाँ पे हमारा सिक्किम है जहाँ पे हमारी इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है जिसको हम बोलते हैं कंचन सुंगा पीक जो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे इधर हमारा है असम इधर हमारा है मिजोरम यहाँ पे हमारा है मणिपुर नागालैंड आंध्र प्रदेश यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश से निकल के बना था तेलंगाना एंड इधर ही यूपी और हरियाणा के बीच में छोटा सा हमारा बसा हुआ है दिल्ली जो कि हमारी नेशनल कैपिटल भी है। अब अगर हम इंडिया की ज्योग्राफी की बात करें तो जैसे अगर हम अर्थ देखें अर्थ जो होती है उसका हमारा ये 360 डिग्रीज में अर्थ होती है जिसमें बीच में से हमारा क्या डिवाइड होता है इक्वेटर जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं। ठीक है इक्वेटर से एक साइड हमारी ये नॉर्थ की होती है ये साइड हमारी साउथ की होती है। इस इक्वेटर को हम बोलते हैं लैटिट्यूड लैटिट्यूडनल इक्वेटर एट 0 डिग्री। सिमिलरली हमारी अर्थ ऐसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ये भी हमारा 0 डिग्री होता है। इधर से हमारा पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम कर्क रेखा भी बोलते हैं जो कि हमारा 23.5 डिग्री पे होता है। यहां से हमारा पास होता है आर्कटिक सर्कल जिसको हम 66.5 डिग्री पे होता है। ठीक है अगर हम इसकी इधर बात करें तो नीचे से हमारा जाता है यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि हमारा ये अगेन आपका 23.5 डिग्री पे होता है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है और ये 23.5 डिग्री साउथ होता है। और यहाँ पे हमारा आता है एंटार्कटिक सर्कल अगेन ये 67.5 डिग्री साउथ पे होता है। सिमिलरली ऐसे ही एक इधर से हमारी लाइन जाती है एंड एक इधर से जाती है। इंडिया जो हमारा लोकेटेड है वो कहाँ पे लोकेटेड है कुछ हमारे इस पार्ट पे लोकेटेड है यानी कि ये कौन सा हो गया ये वाला जो पार्ट हुई ये वाला जो एरिया हुआ ये कौन सा हुआ नॉर्थ ईस्ट। ये चार हो गए इधर नॉर्थ है नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो इंडिया हमारा कहाँ लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट। तो क्वेश्चन एक अगर बनता है तो कैसे बनता है इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फेयर सो उसका आंसर क्या होगा नॉर्थ टर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है बोलो बेटा बात क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट जो हमारा चीज आता है ठीक है अब आता है कि हमारा इंडिया का टोटल एरिया कितना है। तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जिसको हमें जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव से याद रखना है बट अगर हम एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपको इसको याद करने की कोई नीड नहीं है बिकॉज एंट्रेंस में कभी भी आपसे सवाल नहीं पूछा जाता है कि हाउ मच एरिया डस इंडिया कंट्री कवर्स। ठीक है दूसरा हम अगर बात करें तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। ठीक है तो हम बात करें सबसे पहले लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है मैं इधर की साइड लिख देता हूँ ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ
टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। मतलब कुछ बात आती है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा होता क्या है। जैसे अभी हमने ये लाइन ये हमने पढ़ा कि हमारा इक्वेटर होता है, इधर 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इधर 66.5 डिग्री अगेन नॉर्थ है, जिसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। तो इंडिया की कोई लाइन, कोई लैटिट्यूड होगा जो यहाँ से इस बाउंड्री से टच कर रहा होगा, और सिमिलरली इंडिया का कोई लैटिट्यूड होगा जो सिमिलर यहाँ इस बाउंड्री से टच कर रहा होगा। तो ये दोनों लैटिट्यूड के जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा कितने का है, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं 8.4 डिग्री नॉर्थ, 8.4 मिनट्स नॉर्थ। जैसे कि आप देख सकते हो इक्वेटर से हमारा थोड़ा सा ही ऊपर है, ठीक है। और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है यहाँ पे जो है वो कितना है हमारा, 37.6 मिनट्स, ठीक है। यानी कोल अगर हम देखें तो हमारा जो ऊपर से नीचे तक का जो एरिया है वो कितने डिग्रीज में कवर्ड है, 30 डिग्रीज में कवर्ड है। अप्रॉक्सीमेट, इट्स नॉट एक्चुअल, इट्स अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। वेयर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 111.2 किलोमीटर्स, ठीक है। यहाँ पे इस पेज पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, सो वी विल टेक अ न्यू पेज। बस एक लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट और इसी पे समझ लेते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट क्या होगा, जैसे ये हमारे लैटिट्यूड हैं सिमिलरली कोई ना कोई लाइन होगी जो आपकी इस एरिया से पास हो रही होगी, और कोई ना कोई लाइन होगी जो आपके इस एरिया से पास हो रहा होगा लॉन्गिट्यूड। तो ये लॉन्गिट्यूड कितना है, तो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट होता है हमारा 68.7 मिनट ईस्ट, बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो ईस्ट की तरफ बात करें तो 0 डिग्री से हमारा कितना आगे है, यहाँ आपका 68.7 मिनट ईस्ट। और ये वाली जो लाइन है जहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश बॉर्डर है, ये वाली जो लाइन है ये कितनी है हमारा, 97.6 डिग्री समथिंग, ठीक है। तो ये हमारा अगेन, ये भी हमारा कितने पार्ट्स में कवर्ड हो गया, 30 डिग्रीज में हमारा कवर्ड हो गया, बिकॉज ये 360 डिग्रीज पे होता है। तो यहाँ से हमारा जो आगे भी ये पार्ट कुछ ना कुछ हमारा क्रॉस करेगा, जो कि 90 से थोड़ा सा हमारा अबव होगा। तो कितना है ये, 68.7 मिनट ईस्ट टू 97। यानी कि अगर हम बात करें तो इंडिया, चाहे आप नॉर्थ टू साउथ देखो, चाहे आप ईस्ट टू वेस्ट देखो, कुल जो हमारा इंडिया कवर्ड है वो कितने अप्रॉक्सीमेट दोनों साइड से कितने डिग्रीज में कवर्ड है, 30 डिग्रीज, ठीक है। सो गाइस, इन पॉइंट्स को याद रखना थोड़ा सा, इंडिया विच हेमिस्फीयर में लोकेटेड है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया किस किस के मतलब लैटिट्यूड एक्सटेंड के बीच फॉल करता है, किस लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड के बीच फॉल करता है, इन चीज़ों पर याद रखना। फिर हम नेक्स्ट पेज पर अपना कंटिन्यू करते हैं, टू बी कंटिन्यू। थैंक यू गाइज़।